हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। नाम सुशांत शेट्टी। सो आज कुछ नया करने का मन कर रहा था। सो आज एक नाइट लैम्प ट्राई करते हैं। ये मेरे बाप खाया था मेरे हाथ में कुछ दिन पहले। सोचा था इससे एक नाइट लैम्प बनाएं। बनाने के लिए जो मेरे दिमाग में आइडिया है उसे इट्स समथिंग वेरी न्यू, वेरी एक्सपेरिमेंटल। सो आई एम नॉट श्योर वेदर इट विल टर्न आउट द वे आई वॉन्ट इट टू टर्न आउट टू बी। सो ये बाक को द आइडिया इज टू क्रिएट अ लेज ओवर हियर, एक ब्रैकेट बना के वी विल हैव दीज LED जो मैंने अमेजोन से खरीदा है, ये LEDs लगाएंगे और एक नाइट लैम्प जिससे बनेगा सेल्फ स्टैंडिंग। तो कोई वायर्स बाहर नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। इट विल बी बैटरी बेस्ड, बैटरीज है इसमें, उससे चलेगा ये। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, होपफुली आई बी एबल टू मेक इट। सो करने से पहले एक डायग्राम बना लेते हैं कि एग्जैक्टली होगा कैसे। सो ये है हमारा बाक। You have to excuse my drawing, I'm not a good artist. So, ये हमारा बाक है। सो इसके बीच में एक डी लगेगा यहाँ पे। एक डी लगेगा यहाँ पे और एक डी लगेगा। सो दिस विल बी स्टक टू द बाक, दिस वन ऑल्सो। और इसके बीच में यहाँ पे एक लकड़ी आएगा जो यहाँ पे स्टक होगा और इसके यहाँ पे होल होंगे ये नेल्स के लिए, ये वॉल में लगेगा। और बीच में यहाँ पे जो ये LED लाइट्स हैं वो यहाँ पे आएंगे, उसके बीच में हम एक नेल्स मार देंगे, यहाँ पे कीले मार देंगे ताकि ये LED यहाँ पे लगे रहे। LED जो बॉक्स है वो यहाँ पे आएगा। इफ यू नीड टू देन सेकेंड बॉक्स यहाँ पे आएगा। सो अभी कोई भी फाइल लेके इसके जो एजेस हैं ये एजेस को ट्रिम करना पड़ेगा। द रीजन इज कि जब हम यहाँ पे लाइट डालेंगे वो लाइट जब हम लाइट बाहर आएगा ना, इट विल बी इन अ वीवी फॉर्म। तो हमको वो नीचे इट विल बी अ स्मूथ फॉर्म, इसलिए ये एजेस सारे निकालने पड़ेंगे इसके। तो कोई भी फाइल लेके ये ध्यान रहे कि पूरा पीस नहीं निकल जाए, तो यहाँ पे भी केयरफुल ले जाए। सो अभी फाइलिंग हो गया है, तो अभी सैंड पेपर से स्कैनिंग कर लेंगे सब उसके भागे निकाल देंगे। यू हैव टू बी केयरफुल बिकॉज ये बाक में क्रैक्स है, तो आप जब भी प्रेशर डालेंगे ना क्रैक्स खुल सकता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल विद इट। ये मैंने 80 ग्रिट का पेपर यूज किया हुआ है, तो आप कोई भी यूज कर सकते, 80 है, 100 है, 60 है, वॉट एवर यू हैव। इतना पॉलिश एकदम शार्प नहीं करना है, वी स्टिल हैव टू कीप द नेचुरल एसेंस ऑफ द वुड। और नेचुरल को एकदम स्ट्रेट नहीं करना है, कुछ नहीं, मेरे को नेचुरल जो असिमेट्री है वो चाहिए, वो एग्जैक्ट स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, बस सिर्फ एजेस निकालना है बस। तो अब बीच का डी बनाने के लिए मेरे पास ये लकड़ी है, इसका हम टॉप का पोर्शन काटेंगे लगभग 2 इंच। और ये 2 इंच काट के ये एक सर्कल हम दोनों साइड पे यूज करेंगे। सो इसमें 2 इंच काटते हैं। तो ये अभी साफ हो गया है। सो अभी हमने जो ये काटा था इसको हम यहाँ प्लेस करेंगे। सो तकरीबन
6 इंच अंदर डालेंगे इसको अप्रॉक्सीमेटली. सी देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि कितना डालना है कैसे डालना है. 6 इंच विल बी एन आइडियल दिस थिंग, इसलिए यहाँ पे 6 इंच रखा हुआ है. ये देखेंगे आपको यहाँ पे गैप दिख रहा है, सो बेसिकली ये फिट नहीं बैठ रहा है. तो व्हाट यू हैव टू डू इज इसको हम यहाँ से भी काटना पड़ेगा हल्का सा, बिकॉज यहाँ से इसके ऊपर वायर जाएगा दोनों तरफ से. सो इट विल हैव टू बी कट फ्रॉम हियर ऐसे, एंड ये एजेस भी थोड़ा निकालना पड़ेगा ताकि ये प्रॉपर फिट बैठ जाए. जो नीचे गैप दिख रहा है आपको, जो गैप से इसको निकालना पड़ेगा. सो अभी हमने कट कर लिया है इसको, अभी इसको थोड़ा पॉलिश करना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रेट करना पड़ेगा. तो एंगल कैमरे से स्ट्रेट करते हैं. निकाला है फिर भी एज यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, तो या तो यहाँ से इसको निकालना पड़ेगा, फिर परफेक्ट फिट बैठेगा यहाँ पे. तो एक मेजर कर लेते हैं कि कहाँ पे आएगा ये. सो दिस इज वेयर इट विल कम, तो आगे जब कुछ चेंज हो जाए ये यहाँ पे आएगा एग्जैक्टली. और यहाँ पे भी हम एक मेजर कर लेते हैं. हम दोनों ने कर दिया है, आपने चेक किया कि ये मैंने लेफ्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने राइट लिखा हुआ है. द रीजन इज दैट आई एम मेकिंग इट स्पेसिफिकली फॉर दिस एरिया, इसलिए मैंने यहाँ पे भी एक मार्किंग किया था जो एग्जैक्टली उस एरिया के लिए मैंने ये बनाया है. एंड नाउ ये फिट बैठ गया है इसमें. ओके दिस ये फिट बैठा है. द सेम थिंग ये भी यहाँ पे फिट बैठ गया है. सो सब ये हो गया है. अभी इसके ऊपर हम फिर इसको ग्लू लगाएंगे नीचे से, और उसके बाद में इसको नेल भी करेंगे पीछे के साइड से. ये ड्राई हो गया है, 5 मिनट हो गए हैं दोनों ड्राई होके. तो लगा देते हैं to be on the safer side. इसके दूसरी तरफ में इसको कीले भी मार देते हैं, so it will remain stronger. मैं पूरा अंदर तक नहीं डाल रहा हूँ, ये बाद में अगर मुझे हो सके तो मैं अंदर डालूंगा, अभी तो मैं बाहर चढ़ के रखा हूँ थोड़ा. इफ पॉसिबल आई रिमूव इट देंगे. So about the next exciting thing which I did was skydiving. मैंने कुछ साल पहले skydiving किया था, ये रहा फोटो. The best part, in fact the most exhilarating part about the dive was not the dive actually. जब आपको plane में बैठते हैं छोटे से plane में और आपके you are stuck with someone as a tandem dive, and जब आपके पैर लटके होते हैं plane के बाहर 10,000 feet above the ground, plane के बाहर आपके पैर लटके जब होते हैं, that is the scariest part about the dive. And once you jump out, then there's no turning back, then you just have to land, that's it. When you're falling, you're falling. But the most exciting part for me was in the plane with the legs dangling out and just ready for the jump, just waiting for it. So the next step
ये होने के बाद इसको एक स्टैंड लगाना है यहाँ पे, सो ये ऐसे लगेगा। और ये होने के बाद हम इसको यहाँ पे नेल से कर देंगे, नेल से इसको ठोक देंगे, और यहाँ पे इसके दो ये आ जाएंगे जहाँ पे ये दीवार पे लगेगा, यहाँ पे दो हुक आएंगे इसमें जो दीवार पे लगने के लिए। इन द मीन टाइम वी विल कट दिस पोर्शन। तो ये मैंने नेल कर दिया है दोनों, दिस इज बिकम वेरी स्टडी नाउ, तो ये कहीं जाएगा नहीं। ये होने के बाद अभी फाइनल मेजरमेंट ले लेते हैं, तो दिस इज 22 inches। तो हमको दो नेल्स डालने हैं यहाँ पे ये दीवार पे लगाने के लिए, सो इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे। 22 / 4 इज 5.5 एंड 3/4 इज 16.5, सो वी से 16.5 ओवर हियर। तो ये दो है, तो हमारे दिस इज द टॉप साइड, ये वाला टॉप साइड है, तो हम थोड़े से ऊपर ही करेंगे होल, दो होल होगा, और यहाँ पे भी ऐसे दो ड्रिल करेंगे। और ड्रिल करने के बाद एंश्योर कि ये दोनों सेम डिस्टेंस पे रहे, ड्रिल करने के बाद यू कैन इजिली माउंटेड ऑन द वॉल। Last thing we have to do before we put on the lights is putting these nails. ये एक इंच नीचे लगाना है, एक डेढ़ इंच नीचे लगाना है पूरे रश में। इसमें क्या होगा, हम जो ब्लू LEDs है वो LEDs को रोल कर सकते हैं इसमें। सो ये एक डेढ़ इंच नीचे यहाँ पे, एच के नीचे यहाँ पे लगाना है। सो मैंने ये नेल्स यहाँ पे लगा दिया है, ये नेल यहाँ पे स्क्रूज डाले हैं बीच में और यहाँ पे नहीं लगाए। और एक मैंने चीज़ डिवाइस किया है, ये मुझे कंसोल जो रखना है, आई वाज थिंकिंग ऑफ पुटिंग वेलक्रो, तो मुझे और एक आइडिया है, तो मैंने एक ये सिस्टम बना दिया जो ये यहाँ पे फिक्स रहेगा। सो वेलक्रो डालने की भी ज़रूरत नहीं है, एंड दिस विल बी फिक्स। और मैं जब भी चाहिए बैटरी चेंज करने के लिए, ये मैं इसको निकाल सकता हूँ, यहाँ से बैटरी चेंज कर सकते हैं दोनों तरफ। मैंने ये सिस्टम बना दिया है, तो मेरे दोनों कंसोल यहाँ पे दोनों एंड पे जाएंगे, और ऑन ऑफ का बटन एक है, तो मैं दोनों तरफ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। सो फाइनली बन के रेडी हो गया है। जो मैंने यहाँ पे एक इंच का कहा था कि एक इंच के साइड में मैं जो LED लाइट्स लगाने वाला हूँ, लेकिन एक इंच पे नहीं लगाऊंगा, बिकॉज मैंने लगाया लाइट तो देखा कि द लाइट वॉज कमिंग आउट अनइवन, हर तरह से अनइवन लाइट आ रहा था, एक डबल रिफ्लेक्शन आ रहा था। तो व्हाट आई डिड वॉज आई स्टक इट इन द साइड ऑन द टॉप ऑफ दिस, ये मैंने ऊपर लगा दिया लाइट्स को, और ये क्लीन भी लग रहा है, और ये ऊपर लग गया है तो लाइट इवनली बाहर आ रहा है अभी। सो दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग इज इफ यू सी, यहाँ पे मैंने टेप लगा दिया है, तो ये आपने देखा था ये होल था यहाँ पे, इस होल के वजह से लाइट डायरेक्टली बाहर आ रहा था, एंड दैट वाज अनइवन अगेन, वो शार्प लाइट बाहर आ रहा था। मैंने जब टेप लगा दिया यहाँ पे, बेसिक प्लास्टिक जो पेपर टेप आता है ये वो है, उसके वजह से एक नया लुक आ रहा है, मेरे को वाइट दिख रहा है, एक वाइट स्पॉट दिख रहा है फर्स्ट, एंड सेकेंड थिंग इज जो लाइट बाहर आ रहा है वो वापस ट्रांसलूसेंट है, सो दैट्स कमिंग आउट इन अ वेरी गुड वे। सो दिस इज दीज आर टू थिंग्स, एंड फाइनली दिस इज रेडी। अभी से इसको माउंट करना है, एंड आई एम रेडी टू गो। Hey guys, hope you liked the video. The progress came out very nice.
इसको बनने में लगे अराउंड 3 से 4 घंटे, सूखने में एक दिन लग गया लूट सूखने में, पर द टोटल एक्सपेंस फॉर मेकिंग दिस प्रोडक्ट वॉज नॉट मोर देन 125-130 रुपीज़. तो मैंने LED खरीदे थे अमेजोन से, दैट वॉज द ओनली एक्सपेंस आई इनकर्ड फॉर मेकिंग दिस प्रोडक्ट. आई बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब मैं 25 साल तो हो गए मुझे वुड क्राफ्टिंग करते करते, छोटे से शुरू किया था, अभी तो प्रोडक्ट प्रोजेक्ट्स करता हूँ. So if you guys need any sort of suggestions, if you want to talk about it, if there are fellow wood crafters on the internet, please connect with me. I'll be more than happy to discuss wood crafting with you. If anyone wants a webinar or या फिर किसी को workshop करना है, मैं मुंबई में रहता हूँ तो मुंबई में अगर कोई workshop करना है, I'll be more than happy to come and do a free workshop or a free webinar for any of you guys. Do let me know if you have any suggestions. Do let me know if you have any comments for this video. Please subscribe to the channel and press the bell icon. It will give you notification whenever I upload a new video. I'm here to answer all your queries, guys. See you later. Bye-bye.